दर्शकों, आज हम आपको लिए चलते हैं महादेव घाट मथुरा, जहां इस घाट से कुछ दूरी पर है महादेव मंदिर। इस मंदिर के विषय में यहां के स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुए महादेव हैं, जो अत्यंत प्राचीन हैं। यहां के स्थानीय निवासी नित्य प्रति यहां आकर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ महीनों पूर्व सभी के मन में एक इच्छा हमेशा जागृत होती थी और बस वो इच्छा जागृत होने के बाद में वहीं दम तोड़ देती थी। जी हाँ, वो इच्छा थी कि काश काश हम यहाँ से कुछ ही दूरी पर माँ यमुना के भी दर्शन कर पाएं। लेकिन मंदिर के समीप से आरंभ होकर यमुना जी तक जाने वाला रास्ता गंदगी और कांटों से भरा हुआ रास्ता था, और यही कारण था कि लोग अपनी इच्छा के अनुरूप माँ यमुना को प्रणाम निवेदित करने जा ही नहीं पाते थे। फिर अक्टूबर के माह के अंतिम सप्ताह में यमुना मिशन की टीम ने महादेव घाट तक का सफर तय किया। मथुरा के अंबाखार नाले के कारण भीषण दुर्गंध और गंदगी को देखकर श्री प्रदीप बंसल जी का हृदय विचलित हो उठा। बस तभी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि यहाँ भी यमुना मिशन अपना यमुना स्वच्छता कार्य शीघ्र ही आरंभ करेगा, और 10 नवंबर 2019 से यहां कार्य आरंभ कर दिया गया। यमुना में लगातार गिर रहे महाभयंकर गंदे नालों के कारण यमुना की सतह पर 20 से 25 फुट गहरी कीचड़ की परत जमा हो चुकी थी, जिससे यमुना जी का दम घुट रहा था, और बस यमुना तली से कीचड़ निकालने का कार्य आरंभ कर दिया गया, जिससे यमुना जी को कुछ राहत मिल सके। कीचड़ को निकालकर यमुना के तटों पर तटबंध बनाए गए, जिसमें मिट्टी और खाद का प्रयोग कर वृक्षारोपण किया गया, और 20 नवंबर 2019 का दिन वह दिन था जब प्रातःकाल से ही महादेव घाट पूर्णतया भक्तिमय हो उठा। प्रातःकाल से ही यहाँ की स्थानीय निवासी महिलाओं ने यहां आकर भजन कीर्तन किया। गिरिराज जी के 56 भोग के दर्शन हुए, और फिर परम पूज्य परम वंदनीय महाराज जी की रमण रीति से आरंभ हुई ब्रज 84 परिक्रमा के साथ उनके चरण कमल यहां पर पड़े, तो यह स्थान और अधिक ऊर्जामय भक्तिमय हो गया। उस दिन यहाँ का यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अचरज से भरा हुआ था, ये सोचकर कि जिस स्थान पर अभी तक हम चाहकर भी नहीं आ पा रहे थे, इतना सुंदर स्थल कैसे हो गया, वो भी मात्र 20 दिनों में। स्थानीय निवासियों के चेहरे खिल उठे। उनका कहना था कि ऐसा चमत्कार तो सिर्फ यमुना मिशन ही कर सकता है, जो यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी के दृढ़ संकल्प का परिणाम है।